हिंदू धर्म में हर व्रत और त्योहार का अपना विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि व्रत करने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहते हैं सावन में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और ऐसे में जो भक्त सच्चे मन से सावन सोमवार का व्रत रख उनकी पूजा अर्चना करता है उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं। सोमवार व्रत नियमित रूप से करने पर भगवान शिव तथा देवी पार्वती की अनुकंपा बनी रहती है, जीवन धन धान्य से भर जाता है। भगवान शिव सभी अनिष्टों का हरण कर भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। भगवान शिव की शक्ति अपरंपार है, वह सदा ही कल्याण करते हैं। वह विभिन्न रूपों में संसार का संचालन करते हैं। सच्चिदानंद शिव एक हैं। एक और जहां ब्रह्मा रूप में वह सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वहीं विष्णु रूप में सृष्टि का पालन करते हैं तथा शिव रूप में वह सृष्टि का संहार भी करते हैं। भक्तजन अपनी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की उपासना करते हुए शिवलिंग का पूजन करते हैं। श्रावण सोमवार के व्रत का महत्व सभी व्रतों से बढ़कर है। ये व्रत क्यों किया जाता है, इस व्रत को करने से कौन सा फल मनुष्य को मिलता है तथा इस व्रत को किसे करना चाहिए और किसे नहीं, भगवान शिव ने कहा है पार्वती, श्रावण सोमवार का व्रत केवल स्त्रियां ही नहीं बल्कि पुरुष भी कर सकते हैं। यह व्रत सभी के लिए लाभकारी है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसे मेरी कृपा प्राप्त होती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कुछ मनुष्यों को श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। पहले है मांसाहार करने वाले लोग। शिव जी ने मांसाहार करने वालों के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया कि उन्हें यह व्रत नहीं करना चाहिए। शिव जी पशुपतिनाथ हैं, जो सभी प्राणियों के रक्षक हैं। वे किसी भी प्राणी के प्राण लेने से क्रोधित हो जाते हैं। मांसाहार से प्राणियों की हत्या होती है और यह भगवान शिव के सिद्धांतों के विपरीत है। मांसाहार करने वाले लोग व्रत के पवित्र उद्देश्य को समझने और पालन करने में असमर्थ होते हैं। श्रावण सोमवार का व्रत आत्म संयम और शुद्धि का प्रतीक है और इसका पालन वही कर सकते हैं जो अहिंसा और शांति के सिद्धांतों का पालन करते हैं। कपट भाव और बुरा आचरण रखने वाली स्त्री, जो स्त्री मन में कपट भाव रखती हो और दूसरों के साथ बुरा आचरण करती हो, उसे भी श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। कपट और बुरे आचरण से यह व्रत अधूरा और निष्फल हो जाता है। व्रत का उद्देश्य आत्मा संयम और आत्मा शुद्धि है और इसका पालन वही कर सकते हैं जिनका मन और आचरण शुद्ध और पवित्र हो। भगवान शिव ने बताया कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के पास चली गई हो, उसे श्रावण सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। यह आचरण सामाजिक और नैतिक दृष्टि से अनुचित माना जाता है। विवाह एक पवित्र बंधन है और इसमें विश्वास और वफा